सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट एंड ट्यूपल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट क्या होती है। लिस्ट होती है हमारे कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब जैसे हमको कोई चीज़ें स्टोर करनी है एक लिस्ट में। जैसे हम कोई मार्केट जा रहे हैं या फिर कहीं ग्रोसरी की शॉप पर जा रहे हैं, तो हम एक बार लिस्ट बनाते हैं ना कि ये सामान लाना है इस ऑर्डर पर। तो ये भी उसी तरीके से होता है। जैसे इसमें मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो लिस्ट का जो लिखने का तरीका होता है वो होता है हमारे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, हम उसमें लिस्ट को बनाते हैं। तो जैसे पहला वर्ड हो गया हेलो, देन सेकंड हमने कर दिया वर्ल्ड, थर्ड कर दिया देयर। तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई है जिसमें हमने स्ट्रिंग वेरिएबल्स स्टोर किए हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर किया है। तो ये हमारा जीरोथ इंडेक्स होगा, ये हमारा वन एंड ये सेकेंड। और ऐसी हमारी ट्यूपल्स बनती हैं। तो ट्यूपल्स में होता ये है कि हमको एक नॉर्मल ब्रैकेट लगाने होते हैं और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें मान लीजिए हमने H कॉमा W एंड कॉमा T, तो हमने ये दे दिया। अब जो इनमें बेसिक डिफरेंस होता है लिस्ट एंड ट्यूपल्स में, वो ये होता है कि पहले तो ये सिंटैक्स है कि सिंटैक्स यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे ये राउंडेड वाले ब्रैकेट होने चाहिए। देन सेकेंड ये आता है कि लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर इनमें जो एलिमेंट है उनको चेंज ऐड डिलीट कर सकते हैं, पर ट्यूपल में नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है, नो चेंज नो एडिट। यहाँ पे हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं बाहर से। हमको जो करना होगा कोड में चेंज करना होगा यहीं से। जैसे मैं यहीं पर एच की जगह 5 लिख दूँ या कुछ भी, पर हम अलग से नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बार लिस्ट अच्छे से बता देता हूँ। तो लिस्ट क्रिएट करने का तरीका ऐसा होता है कि हम वेरिएबल की तरह इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको टू डू दे देता हूँ कि हमको टू डू जो काम करना है, टू डू लिस्ट। हाँ ठीक है, टू डू लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन यहाँ पे कहेंगे ऑरेंज कॉमा एप्पल्स एंड देन ग्रेप्स। ये हम तीन फ्रूट के नाम दे देते हैं जो हमको खाने हैं। तो अब यहाँ पे क्या क्या होते हैं टू डू लिस्ट में, क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं इनको प्रिंट कैसे कराएंगे। तो हम प्रिंट कराने का तरीका होता है प्रिंट टू डू लिस्ट। तो जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए इसने हमको सारी जितने भी हमारे एलिमेंट थे पूरी लिस्ट प्रिंट करके दे दी है। तो ये तो हो गया हमारा पूरे लिस्ट को प्रिंट करना। अब मेन बात आती है हम इनके कोई एक एलिमेंट को कैसे करेंगे, कोई एक एलिमेंट को। तो उसके लिए हम यही करते हैं टू डू लिस्ट लिखा प्रिंट में एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन नंबर। तो ये नंबर क्या होता है, ये नंबर होता है इंडेक्स नंबर। तो जैसे इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जैसे हम रोल नंबर डालते हैं अपने रजिस्टर में स्कूल के, जैसे मेरा ये 0 है, अमन का 2nd है, कुणाल का 3rd है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स नंबर होते हैं, हम उनको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर होता है 0 से बिगिन होता है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो अभी हमको क्या चाहिए कि हम टू डू लिस्ट में जाएं इन 0th एलिमेंट देखें कि 0 नंबर पे कौन सा, वो है ऑरेंज। तो हमें बिल्ड कराएंगे, देखिए इसने हमें ऑरेंज दे दिया, देन हम 1 डालेंगे तो इसने हमें एप्पल्स दे दिया। तो यही तरीका होता है हम कोई भी एलिमेंट को प्रिंट करवाना हो लिस्ट में। अब ये तो हो गया हमारा प्रिंटिंग। अब मान लो कि हमको कोई एलिमेंट ऐड करना है इसमें लिस्ट में, यहाँ पे आखिरी में। तो हम उसके लिए करते हैं टू डू लिस्ट डॉट अपेंड एंड यहाँ पे हम लिख देंगे बनाना। तो यहाँ अपेंड वाला हमारा फंक्शन क्या करता है कि लास्ट में जो भी हमारी जितनी भी लंबी इंडेक्स वाले कितनी लंबी है उसके लास्ट में जाके एक एलिमेंट ऐड कर देगा जो भी हमने यहाँ डाला है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराना भूल गए हैं, प्रिंट टू डू लिस्ट। तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि हम पहले लिस्ट बनाई ये तीन फ्रूट्स के साथ, देन उसमें अपेंड कर देगा सबसे पीछे बनाना और उसको प्रिंट करवा देगा। तो देखिए इसने हमें यहाँ पे बनाना दे दिया आखिरी में, अभी चाहे कितनी भी लंबी होती है। देन हमारा आता है इंसर्ट। तो यहाँ पे इंसर्ट क्या काम करता है कि हम गिवन इंडेक्स पे जो भी हमने इंडेक्स डाला उस पे हमको ये लगा के दे देगा जो भी हमारा बनाना है। तो फॉर सपोज़ मुझे 0th इंडेक्स पे चाहिए, तो ये क्या करेगा टू डू लिस्ट बनाएगा
एंड देन टू डू लिस्ट डॉट इंसर्ट देखेगा क्या है। तो यहाँ पे देखेगा कि हमें कौन से इंडेक्स पे चाहिए और क्या एलिमेंट जोड़ना है। तो हमने डाला है इंसर्ट बनाना एट जीरोथ इंडेक्स। तो हम जब इसको बिल्ड कराएंगे तो देखिए इसने हमें जीरोथ इंडेक्स पे दे दिया। अब यहाँ पे अगर मैं वन डाल देता तो देखिए इसको इसने हमें वन फर्स्ट इंडेक्स पे दे दिया है। तो इंसर्ट ये काम करता है कि हमें ये जो भी हमारा इंडेक्स नंबर है उस पर ये एलिमेंट ऐड कर देगा। अब चलते हैं हम ट्यूपल्स पे। तो मान लीजिए मैंने कोई ट्यूपल बनाई, लेट्स सपोज फ्रूट, ये भी हम फ्रूट ही लेते हैं या आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम देंगे ग्रेप्स बनाना एंड देन हम यहाँ पे दे देते हैं ऑरेंज। तो अब हम जब इसको प्रिंट कराएंगे तो इसने हमको ये प्रिंट दे दिया है, हमारे जो ट्यूपल है प्रिंट दे दिया है। अब जब हम अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं हम फ्रूट डॉट इंसर्ट, जैसे हमने लिस्ट में किया था जीरोथ इंडेक्स पे लेट्स सपोज एप्पल्स, अब जब हम ये कोशिश करेंगे इसमें इंसर्ट करने की तो ये देगा हमको एक एरर। तो देखिए इसने हमें एक एरर दे दी, एट्रीब्यूट एरर, टपल हैज़ नो ऑब्जेक्ट एज इंसर्ट, यानी इंसर्ट करता ही नहीं है। जो हमारा टपल है उसमें इंसर्ट का फंक्शन ही नहीं है, हम इंसर्ट कर ही नहीं सकते। तो हम इसको हटा देते हैं। ओके, अब जब हम इसको रन करेंगे तो आपको पता है कि ये टपल दे देगा नॉर्मली जैसी थी। तो ये डिफरेंस होता है एक लिस्ट एंड टपल में कि हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट हम टपल में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी एक फंक्शन रह गया है, मैं आपको वो भी लिख के दिखा देता हूँ। तो जैसा हम जानते थे कि हम लिस्ट को वापस लाते हैं एक बार कंट्रोल जेड करके। ओके, तो ये हमारी लिस्ट थी, तो यहाँ पे हमने इसमें इंसर्ट कराया था। अब हम चाहते हैं कि ये डिलीट भी कर दे कोई एलिमेंट को, तो हम यहाँ इंसर्ट की जगह लिख देंगे डिलीट और यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर दे देंगे इसको। और जब हम बी कराएंगे तो देखा लिस्ट इंडेक्स है नो एट्रीब्यूट डिलीट। ओके, तो आई थिंक पॉप, हाँ तो पॉप है, यहाँ पे डिलीट नहीं होता पॉप होता है। तो पॉप का मतलब वही होता है डिलीट करना, थोड़ा फैंसी नेम है पर ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब देखा कि हमने लिखा टू डू डॉट पॉप फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी था इसने डिलीट कर दिया क्योंकि फर्स्ट पर हमारा एप्पल्स था, जीरोथ फर्स्ट एनी सेकेंड। अब यहाँ पर मान लो मैं ज़ीरो डालता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसने हमें दे दिया एप्पल्स एंड ग्रेप्स और जीरो वाले को उड़ा दिया। तो ये हमारे बेसिकली होता है कि हम किसी भी चीज़ को ऐड, अपेंड या फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम एक बार लिस्ट भी ट्राई, टपल भी ट्राई कर लेते हैं, इसको हम टपल बना लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे सिंटैक्स चेंज कर देते हैं फॉर नाउ, वैसे करना गलत है, मतलब कोड तो रन हो जाए पर ये प्रैक्टिस गलत है एक। तो अब जब हम ये करेंगे तो देखिए इसने हमको एरर दे दी, टपल हैज़ नो एट्रीब्यूट पॉप। तो यहाँ पे हम उनको डिलीट करके देख लेते हैं, डिलीट, ये इस पर भी एरर दे दिया हैज़ नो एट्रीब्यूट डिलीट। तो जैसे मैंने आपको बताया था आप इसमें चेंज, एडिट या डिलीट नहीं कर सकते हैं आप, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन टपल्स, बट लिस्ट में आप कर सकते हैं। तो यही एक बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों में कि लिस्ट में आप चेंज कर सकते हैं पर टपल्स में नहीं कर सकते हैं। तो अब हम एक और चीज़ ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए ये था एंड देन हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, हम इसको वापस लिस्ट बना देते हैं जो हमारी टू डू लिस्ट थी। ओके, या फिर हम क्लियर स्टार्ट करते हैं चलो। तो अब हम यहाँ पे एक नई चीज़ ट्राई करेंगे कि हमें चेंज कैसे करें, ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है। तो हम मान लो एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट वन इज़ इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर ब्रैकेट ए पी एनी सी। तो हमने तीन एलिमेंट इसमें दे दिए। अब जैसे हम लिखते हैं लिस्ट वन स्क्वायर ब्रैकेट एंड जीरोथ इंडेक्स, अब हमें इसको अगर चेंज कराना है तो हम यहाँ करेंगे इज इक्वल टू ई एंड देन प्रिंट लिस्ट वन। तो अब हम जब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, तो हमने यहाँ पे किया कि ये पहले लिस्ट वन के जीरोथ इंडेक्स को देखेगा जैसे हमने प्रिंट करवाया था और फिर उसको चेंज कर देगा ई से।
तो ये हमारा बेसिक तरीका होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं लिस्ट में। तो हम पहले जीरो इंडेक्स देखेंगे क्या है, एंड देन उसकी जगह रिप्लेसमेंट लिख देंगे। इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये लीजिए SDS। तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो प्रिटी मच यही है कि लिस्ट में और टपल में डिफरेंस एंड कैसे क्या काम करते हैं फंक्शन। तो इसमें बेसिक फंक्शन यही होते हैं लिस्ट में, अपेंड, मैं डॉट लगा देता हूँ, डॉट अपेंड, और यहाँ पे हमारा जो भी एलिमेंट का नेम है, एलिमेंट नेम, देन डॉट इंसर्ट, इसमें हम यहाँ पे इंडेक्स डालते हैं, कॉमा नेम एंड डॉट पॉप, और यहाँ पे हम इंडेक्स डाल देते हैं इंडेक्स। तो अपेंड तो हमारा क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है, लास्ट ऐड, एंड जो हमारा इंसर्ट है वो हमारा इंडेक्स देखता है एंड देन इंडेक्स पे ऐड कर देता है। जो भी हमारा एलिमेंट है नेम उसको उस इंडेक्स पे ऐड कर देगा जो भी हमने डाला है। और डॉट पॉप क्या करता है, डिलीट द एलिमेंट एट दैट इंडेक्स। यहाँ पे जो हम इंडेक्स डालेंगे, इंडेक्स हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगे, ये याद रखना, कभी भी आप ये इंडेक्स मत लिखना ऐसे। तो आई होप आपको समझ में आया हो, दिस इज़ प्रीटी मच इट कि लिस्ट और टपल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड पाइथन एंड सारी कोडिंग प्रोग्रामिंग डिजिटल नॉलेज देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Everything changes.